पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी अपडेट बता दें, हाथरस पीड़ित परिवार से आज राहुल और प्रियंका गांधी मिलने पहुंच रहे हैं। राहुल प्रियंका के साथ में कई कांग्रेस नेता भी हाथरस पहुंच रहे हैं। दिल्ली से लगी सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। डीएनडी पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाथरस में धारा 144 लागू कर दी गई है। नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तो लगातार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, सपा कार्यकर्ता और कांग्रेस की तरफ से जो नेता हाथरस पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हाथरस की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी को भी अंदर बाहर आने की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए राहुल और प्रियंका गांधी हाथरस जा रहे हैं। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। जिले की सभी सीमाओं को सील करके धारा 144 लगा दिया गया है। नहीं देखिए, डीएनडी पे हमारा रूटीन चेकिंग होता है और आज हम लोग थोड़ा प्लान किए हैं कि आज थोड़ी सी अच्छी डिप्लॉयमेंट के साथ चेकिंग की जाए। आपने देखा है कि वॉल्यूम में ट्रैफिक काफ़ी होता है, तो ये हमारा रूटीन चेकिंग है और आज थोड़ा सा डेवलपमेंट ज़्यादा है और हम लोग उसी के तहत यहाँ पे चेकिंग करते हैं। किसी भी वीआईपी आने की जो है बात कही जा रही है, अभी कोई इनपुट हम लोग के पास ऐसा नहीं है और ना कोई इंस्ट्रक्शन है, इसलिए मैं अभी तो कुछ नहीं बता सकता। कांग्रेस के कुछ लीडर्स यहाँ से 11 बजे के करीब निकलने की बात सामने आ रही है, जिसकी वजह से राहुल गांधी प्रियंका नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा इंस्ट्रक्शन हमारे पास नहीं है और ना ही कोई इनपुट हमारे पास है। सर, बताया जा रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की घटनाएं अब सामने आ रही है, हाथरस को लेकर आ रही है, तो कुछ राजनीतिक दल यहाँ से कूच करने वाले हैं, इसीलिए फोर्स लगाई है ताकि वो वहाँ जाके किसी तरीके से, वो जिस घटना के बारे में आप बता रहे हैं उसको लेकर के हम लोग अलर्ट हैं, चौकस हैं और हम लोग का प्रयास ये है कि उन सब चीज़ों को लेकर कहीं कोई इस तरह की स्थिति हमारे यहाँ ना पैदा हो। और इसी के लिए आपने देखा होगा कि जो भी हमारे यहाँ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम लोगों ने डेवलपमेंट्स वगैरह रखे हैं और इंक्लूडिंग डीएनडी ऑल्सो, जहाँ हम लोग सब लोग खड़े हैं और यहाँ से हम लोग ये कोशिश करें कि कोई ऐसी स्थिति हमारे यहाँ ना हो। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जावेद चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं तमाम सारी जानकारी और तमाम सारी अपडेट के साथ में। जावेद, बताया जा रहा है कि यूपी में जो गाजियाबाद बॉर्डर है वहां पर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात कर दिया गया ताकि कोई दिल्ली से बड़ा नेता हाथरस ना जा सके, इसको लेकर वहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई और चेकिंग किया जा रहा है। तो जावेद, तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। गाजियाबाद बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया, वहां पर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। हर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही ताकि जो दिल्ली से कोई भी बड़ा राजनीतिक दल का नेता हाथरस ना जा सके, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उधर हाथरस की सीमाओं को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है, किसी को भी हाथरस के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, चाहे कोई भी हो। और धारा 144 भी हाथरस जिले में लगा दी गई है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो डीएनडी पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आज हाथरस के दौरे पर पहुंचने वाली हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने। उनके साथ में कई कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रहेंगे, जिसको देखते हुए ये भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पर, साथ ही हाथरस की सीमाओं पर भी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि कोई भी राजनीतिक दल का नेता हाथरस की सीमा में प्रवेश न कर सके। सपा के कार्यकर्ता भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथरस में पीड़ित परिवार के घर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारी पुलिस फोर्स सीमा पर तैनात है और हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। तो सड़कों पर तमाम वरिष्ठ अधिकारी उतर चुके हैं और मोर्चा संभाल चुके हैं, हर जगह पर चेकिंग की जा रही है, क्योंकि दिल्ली से भी कई राजनीतिक दल के बड़े नेता हाथरस के लिए जा सकते हैं। राहुल और प्रियंका गांधी हाथरस पहुंच रही हैं पीड़ित से मुलाकात करने के लिए।
और इसी को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हाथरस जिले में धारा 144 लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी जगह जगह पर लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सुबह से ही आ रही हैं। कई जगह पर सफाई कर्मियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। हाथरस की घटना को लेकर सपा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मायावती ने भी कड़ा प्रहार किया है योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर और केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि यूपी में सत्ता परिवर्तन किया जाए और योगी सरकार को गोरखनाथ मंदिर भेज दिया जाए क्योंकि उनसे यूपी की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके जो आज घटनाएं हुई हाथरस के अलावा बलरामपुर, आजमगढ़ और बुलंदशहर में, उसको लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके योगी सरकार पर निशाना साधा है। तो हाथरस के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी निकल चुके हैं, उनके साथ में कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी हाथरस के दौरे पर जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनको हाथरस की सीमा में प्रवेश मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि हाथरस की सीमाओं पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और धारा 144 जिले में लगी हुई है, तो उनको सीमा पर रोकने का प्रयास किया जाएगा। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जावेद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, जो गाजियाबाद है नोएडा की सीमाओं पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, बताया जा रहा है कि दिल्ली से भी कई राजनीतिक दल के बड़े नेता हाथरस के लिए जा सकते हैं और इसी को देखते हुए ये तैनाती की गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से मैं बता दूं कि आपको बलरामपुर में जो घटना घटी है, धरना घटना है, उसको लेकर पूरे देश में जहां बवाल है, विपक्षी पार्टी अभी एकजुट होने कर रही है और इसी के चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का दिल्ली से निकल गए हैं। वो डीएनडी गाजियाबाद की सीमा से होते हुए सीधा हाथरस जाएंगे, उसके बाद बलरामपुर जाएंगे और इसी के चलते जो यूपी बॉर्डर की सीमा है वो सील कर दी गई है। यहाँ तक की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और तमाम तरह की चेकिंग आरंभ कर दी गई है। एसएसपी की खुद मौके पर पहुंचकर चेकिंग अभियान में जुटे हैं, किसी तरह की कोई व्यवधान ना आने पाए, इसलिए खास तौर पर ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे कि ऐसी कोई दिक्कत भी सामने ना आए। चेक चलाया हुआ है और तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था उसको मजबूत कर दी गई है। जी जावेद, तमाम सारी अपडेट के लिए, तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रियंका और राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं, निकल चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनको हाथरस की सीमा में प्रवेश मिलता है या फिर नहीं। हालांकि हाथरस जिले में धारा 144 जरूर लगी हुई है। तो हाथरस की घटना को लेकर सियासत काफी गर्माती जा रही है। विरोधियों के निशाने पर योगी सरकार है। सुबह से ही मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी सरकार पर निशाना साधा और कल हाथरस की घटना हो जाने के बाद आज जो तीन घटनाएं हुई, बलरामपुर, आजमगढ़ और बुलंदशहर की घटनाओं को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके योगी सरकार पर निशाना साधा है और आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हाथरस में उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करने भी पहुंचने वाले हैं। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि हाथरस की सीमा में उनको प्रवेश मिलता है या फिर नहीं। फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लाइव टुडे।